स्वामी सहजानंद सरस्वती की स्मृति में सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन नौका विहार स्थित योगी राज भवन गंभीर रात प्रेक्षागृह में भूमिहार समाज के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दंडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज रहे, जिसमें समाज के लगभग 2 दर्जन से अधिक विभूतियों को सम्मानित किया गया, जो खेल, कला, साहित्य, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहराकर समाज को गौरवान्वित करने का काम किए हैं। जिसके संबंध में महाराज दंडी स्वामी अनंतानंद ने बताया कि अपने पूर्वजों से ही मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता है, जो भगवा त्याग का प्रतीक है व भगवा शासन सत्ता को भी अनादिकाल से चलाता आ रहा है। आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड में स्वामी सहजानंद सरस्वती महाराज के द्वारा आजादी के समय किसान आंदोलन के नाम पर आम जनमानस को पुनः भारतीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए खड़ा किया। उनकी स्मृति में तथा उनको याद करते हुए जनपद के भूमिहार समाज ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो बच्चे, युवा, वृद्ध कार्य कर रहे हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तमकुही राज के विधायक असीम कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय, पूर्व विधायक डॉक्टर पी के राय, पूर्व MLC रामाशीष राय सहित भारी संख्या में भूमिहार समाज के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दंडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती ने कहा, प्राप्त करके अपने स्थान पर पुनः जो है मेरे समाज आपका आभारी है। आप सादर लोगों से सादर आग्रह है कि आप सादर मंच पर आए। कहता है श्री आलोक राय जी, श्री आशुतोष राय जी उच्च न्यायालय में है, देवी श्राण चतुर्वेदी जी जिला पंचायत एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर में जिला सत्र सम्मान प्राप्त करने वाले आदरणीय बंधुओं से भी निवेदन है कि सम्मान प्राप्त तालियां बजाते रहे। समाज के उन मेधाओं का सम्मान हो रहा है और हम तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हैं, सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, सभी लोगों से निवेदन भी है। श्री संजय राय, आदरणीय श्री संजय राय जी भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय सचिव है। प्रभु हम लोग विवेक मनोज राय जी उपस्थित है, जिले में खेती में नए प्रयोग किए हैं। श्री अमरेंद्र शाही जी उपस्थित है, आप नौकरी भी करते हैं और केले की खेती में। अनुराग राय जी की विशेषता यह है कि हाई कोर्ट में अधिवक्ता है, लेकिन समाज का जब भी कोई व्यक्ति जिसकी जरूरत हो, विशेषतानंद राय जी, उमाकांत सिंह जी, हमारे अभिभावक महाजन सिंह जी, पी के राय जी, हमारे जी और रामाशीष भैया और जयराम पांडे जी और साथ साथ अरुण पांडे जी का संचालन, ये हम सब लोगों को। जब आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं स्वामी जी को ढूंढ रहा था, मुझे पता लगा कि मुख्य अतिथि महोदय अभी रास्ते में हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा 2-4 मिनट जो लोग मिल सकते हैं उनको मिल लिया। और मैं जब बार बार जब इतिहास के पन्नों को हम खंगालते हैं, ये सही बात है कि स्वामी सहजानंद जी की जो विचारधारा थी, बाकी शादी की बात भी आपने बताई, हमने लिया। कई बार अमेरिका वगैरह में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि क्या वहाँ पे उत्तर प्रदेश में पत्नियां बहुत जाती करती हैं कि आदमी दोबारा शादी नहीं करता, साधु होना प्रेफर करता है। तो विस्तार से नहीं बताया उस हिस्से को। और उनकी जो पुत्री है शीला, जो आजकल उस किताब के बाकी पन्नों को परिमार्जित कर रही है, वो समाज के अंदर आप शिक्षित होते हैं, समाज के अंदर जब आप दीक्षित होते हैं उससे जब आप सीखते हैं तब जाके आपको शिक्षा का वास्तविक प्रयोग मालूम पड़ता है। शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जितने लोग हैं ये ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आप सब लोग हमारे टार्च बेरर हैं। जब आप समाज के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, जब राजन बाबू के बुलावे पे राजकुमार शुक्ल के आंदोलन में महात्मा गांधी जी पहुंचे थे, तो वहां पर पहली बार उनकी मुलाकात, सबको जरा जरा करके ऐसे ही आगे बढ़ने की जो कला है, हम उस कम्युनिटी से आते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हम सारे के सारे अगर केवल एक बात पे ध्यान रख लें कि हम शिक्षित होना है, हमें पढ़ाना है बच्चों को और बच्चों को आगे बढ़ाना है, इसी से सारे सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सभी उनका स्वागत है। डॉक्टर धर्मेंद्र राय जी, डॉक्टर हर्षवर्धन राय जी, डॉक्टर बी के राय जी, डॉक्टर
आप सभी सर सामने चिकित्सक महोदय आदरणीय जो लोग अभी आप स्पष्ट देख रहे हैं कि अपने पूर्वजों से ही मनुष्य कुछ सीखता है। जो भगवा त्याग का प्रतीक है वो भगवा शासन सत्ता को ही केवल आज ही नहीं चला रहा है, शासन सत्ता को अनादिकाल से नियंत्रित करते रहा है। उसी क्रम में आज़ादी के कालखंड में, आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड में यतिराज भगवान स्वामी सहजानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा जो नवजागरण का काल शुरू किया गया 1857 के क्रांति के बाद, भारत एक तरह से सुसुप्ता अवस्था में जा चुका था। भारत का जनमानस भयभीत हो चुका था और उस भयभीत जनमानस के मन से स्वामी सहजानंद सरस्वती जी महाराज ने जो किसान आंदोलन के नाम पर आम जनमानस को पुनः भारतीय आंदोलन के लिए खड़ा, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए खड़ा किया, उनके स्मृति में उनको याद करते हुए आज गोरखपुर के भूमिहार ब्राह्मण समाज ने सम्मान समारोह रखा है। जो समाज के विविध क्षेत्रों में जो बच्चे, जो युवा, जो वृद्ध कार्य कर रहे हैं, उन सभी लोगों के सम्मान के लिए केशभान जी एक 57 साल की उम्र में इसी गोरखपुर ज़िले के हैं, जिन्होंने इंटर कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया है। तो ऐसे लोगों का भी सम्मान हो रहा है जो आदर्श अपने पुत्रों को आदर्श देने के लिए कि केवल जवानी में तुम जो है ऐसे व्यर्थ दूसरों के ऊपर दोषारोपण करो कि हमारे यहाँ नौकरी नहीं है, हमारे यहाँ सेवाएं नहीं हैं, उससे बेहतर है कि देखो मैं 57 साल की उम्र में नौकरी पा गया, तुम मेहनत करोगे तो निश्चित तुम्हें नौकरी मिलेगी। तो ऐसे जो समाज में प्रतिभा है जो प्रेरित कर सकती है दूसरों को, ऐसे लोगों का सम्मान किया जा रहा। अभी स्माइल रोटी करके एक चलाने वाले बच्चे हैं मिश्रा जी, उनका सम्मान किया गया। तो इस तरह की बहुत सी प्रतिभाएं जो समाज में हिडन मैंने रूप में हैं, जो काम कर रही हैं, उनको आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है। भगवा केवल आज नहीं रंगा है, तिरंगे का रंग भगवा है। वो अलग बात है कि आईना जिसके पास जैसा रहा उसने वैसा देखा। और रही बात विकास की, तो आप अगर आंख बंद करके भी देश के चौड़ी सड़कों पर चलने का प्रयास करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे देश में विकास हुआ है। आप चिकित्सालयों में जाएंगे तो वहाँ भी आपको जो हाइजीनिक सिस्टम अभी दिख रहा है वो आपको यह आभास कराएगा कि विकास हुआ है। और मैं यह विश्वास से कह सकता हूँ कि मैं भी चलता हूँ ट्रेन से ही, तो देश के जो स्थानक है यानी जिसको स्टेशन बोलते हैं, वो जितने नीट एंड क्लीन और अप्रोचेबल हुए हैं वो विकास को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त हैं। लौकिक, शैक्षणिक और अन्यान्य विकासों की जो बातें हो रही हैं उसमें भी सरकार आई है और वो अपना काम कर रही है। तो भगवा त्याग का प्रतीक अनादि से था, आज भी है और आगे भी रहेगा, और वो त्यागमय तरीके से विकास कर रहा है, इसमें कहीं शंका नहीं है।